कैसा कहता है क्या बताऊं हमारे करुणा माई लिखा है और मैंने किस तरह पाला पोसा पैदा किया जवान किया मैंने अपना दूध पिला और तुमका जवान किया। हर बेटे का धर्म और कर्म होता है जब माँ बाप का बुढ़ापा आए तो सहारा दे। जब मेरा बुढ़ापा आज कर उस मेरे कर्म में जो लिखा है माँ कहती है दूध हवा के हम बेटा चाहे कितना बड़ा आदमी हो जाए लखपति अरबपति करोड़पति हो जाए लेकिन माँ के दूध का कर्ज वो कभी नहीं अदा कर सकता है। बेटा कहता है माई के दूधवा बाबा चलो चलिए चलो भावी भाटा तू लगाओ हम तो भाई चले अंदर व्यवस्था करे तो हाँ बैठो बाबा पेरंदाज ये बार अंडी लाओ तो अपन थोड़ी देर यहीं पर प्रभु का भजन करते हैं उसके बाद काशी के लिए हम प्रस्थान करेंगे। Thank you.
मार डालूंगा। पापी से शराब पीते हैं, शराब पीकर असहाय गरीबों पर जुर्म उठाते हैं। बाबा जी आप इसके लिए फिक्र न करें, यह शिकायत मैं अपने पिताजी से जरूर करूंगा और जो इनसे गुस्ताखी हुई है इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। तू बड़ा दयालु है प्रभु, तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा।
तू बड़ा दयालु है। और बाबा जी ये लो कुछ पैसे, अपनी दवा करा लेना और कुछ भोजन की सामग्री ले लेना। बाबा जी आप अपने कुटी पर राम नाम का जप करें और हमें आदेश दे, हम चले महल, ये शिकायत मैं पिताजी से करता हूं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूत काम चलाऊंगा। लगता है तो हमें पागल बना देगा। अच्छा पहले ये बता, ये चश्मा कैसा है? अरे ये चश्मा ये मैंने हाउडी चलाया है। हाउडी से? अरे साले वो सऊदी है। सऊदी इसमें बड़ी अच्छी खूबी है। क्या खूबी है? जमीन के नीचे का मैं देख लेता हूँ। जमीन के नीचे की? कपड़े के नीचे का देख लेता हूँ। अच्छा ये बता तू क्या देख रहा है? नंबरदार मैं झूठ नहीं बोलता, तुम्हारी अम्मा कसम तू आज चड्ढी नहीं पहनी। ये बता तुझे वास्तव में दिखाई दे रहा है? अब कहो। ये बता है? जब तू सब देख रहा है ये बता मेरे कहीं पर कुछ निशान है? अरे वाह उधर घूमो जरा। नंबरदार बोल, आपके दोनों चूतर के बीच में जहाँ आपकी सुराही है वही तिला है। ये बात किसी से कहना मत। तिला तो है यार। कसमें पुलिस उतारो। अब उतार दिया, हमें दिखावे नहीं करें। ये बात है लेकिन किसी से बात कहना नहीं। नहीं अब तुम्हारे केवल घरे लगाओ बस। क्या शीश? बहुत मारूंगा। ये देख सामने से कौन आ रहा है? ठाकुर साहब। ठाकुर साहब काम के लिए मैं आपके पास आया। रामनाथ जी ऐसी बात क्या है? बता रहा हूँ ठाकुर साहब बैठिए। मैं परेशान हूँ
तुम अपनी मजदूरी के लिए आए हो। हाँ ठाकुर साहब। झगड़ा हो रहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझको कि जमाना दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। आज हम तुम्हें हवेली से पैसे देकर भेजूंगा, कल वो फिर हवेली पर आओगे और कहोगे कि ठाकुर साहब मेरी मजदूरी बाकी है, इसलिए निशानी के तौर पर तुम्हारी अंगूठे का निशान ले रहा है। लम्बरदार ईमानदार है, क्यों नहीं, ये बात नहीं ना, ले यही पे लगा हुआ है। पैडवल आयो अच्छा लिया, पीछे बोल लियो। अच्छा चलो चलो आओ भंडारी, आगे अंगूठे के साइन तो बहुत बढ़िया ही है, लेकिन तुम्हें एक काम करना है कि 3,000 की जगह तुम्हें 0 बढ़ाना है। 3,000 की जगह 30,000 वह करने पर इसी गंगा देश से मैं 30,000 रुपए वसूल करूंगा। भंडारी तुम्हें मालूम होना चाहिए।